Sunday. रुक चलो रुक चलो रुक रुक हेलो सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जिस दिन से माननीय उच्च न्यायालय का जो अध्यादेश हम लोगों के बीच में आया है, उस दिन से हमारे ताजगंज की नींदें उड़ गई हैं। सभी व्यापारी बंद, ताजगंज क्षेत्र के निवासी बंद, हो सभी लोग ये बात जानते हैं, जो अध्यादेश आया है उससे हमारी रोजी और रोटी के संकट में हम लोग आज भयभीत हो चुके हैं। साथियों, आज शोक सभा है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, हम लोगों के 500 मीटर के हमारे किराना व्यवसायी श्री प्रदीप अरोड़ा जी का कल हृदय गति रुक जाने से आकस्मिक निधन हो गया है, जिसके उपलक्ष में आज हम समस्त लोग ताजगंजवासी 2 मिनट का मौन रखेंगे और प्रदीप जी के लिए अध्यक्ष जी से मैं चाहूंगा। इस सूची में प्रदीप जी के बारे में बताने का अध्यक्ष जी जनता को बताएं कि किस कारणवश प्रदीप जी की ऐसा हृदय गति रुकने से एकदम ऐसा हादसा हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी श्री रणवीर सिंह राठौर, हम सब लोगों को पता है कि हमारे ऊपर एक पाठ चुका है, उसी चक्कर में हमारे पुराने व्यवसायी जिनकी परंपरा गति पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार करते आ रहे थे और अपने पेट का भरण पोषण करते आ रहे थे, उसी वजह से उनकी हृदय गति रुक जाने से उनका कल दुकान पर बैठे बैठे देहांत हो गया है। भाइयों, ये बात हकीकत है कि वो यही सोच रहे थे कि मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा, क्या ये दुकान चली जाएंगी, क्या ये दुकान अब रुकने वाली नहीं है, क्या इस दुकान का मालिक नहीं रहूंगा मैं, तो मैं बेटी की शादी कैसे करूंगा। इन्हीं बातों के करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। लोग घबराए, इनको दुकान डॉक्टर पे ले चलो, कोई कहे इनको घर ले चलो, लेकिन जाते जाते उनका शरीर हट गया और वही प्यारे हो गए। भाइयों, ये बात हकीकत है कि जो हमारे ऊपर पहाड़ टूटा है उस पहाड़ की रक्षा भगवान कर सकता है, या हमें ये अर्जनी करनी चाहिए सभी लोगों को जो जिस धर्म को मानता है कि अगर ऐसा हुआ, रोजगार हमसे छीना गया और रोजगार से जितने भी लोग 500 मीटर के बैठे हैं, इन सब लोगों के माध्यम से आज मैं एक मांग करता हूँ कि प्रशासन को प्रदीप जी के परिवार को मुआवजा देना चाहिए, ये बहुत बड़ा हानि हुई है। जैसे लोगों ने एडवोकेटों ने हम लोगों को बताया है, सीनियर एडवोकेटों ने बताया उस तरीके से, हमारे नितिन भाई के साथ में जितनी भी टीम है पूर्ण तरीके से सहयोग में लगी हुई है, हर तरीके से अपील कर रही है। आज भी हम लोगों की 500 मीटर को लेके माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से, मंडल आयुक्त जी से, DM साहब से और आपके ADO माध्यम जी से हम लोगों की बैठक हुई है। थोड़ा शांति व्यवस्था बनाए रखें क्योंकि